देवास रोड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर के दिन अब पलटने वाले हैं। शनिवार से कैंपस के कार्यालय के निर्माण की शुरुआत की गई। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्वशासी मत से 90 लाख रुपए की राशि से विभिन्न निर्माण कार्य कराए जाएंगे। महाविद्यालय के सामने मुख्य द्वार का निर्माण, सड़क निर्माण, बगीचे एवं फाउंटेन, सौंदर्यीकरण, लैंडस्केपिंग आदि कार्य कराए जाएंगे। निर्माण एजेंसी मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल रहेगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में देवास रोड स्थित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्वशासी मत से 90 लाख रुपए की लागत से अनेक निर्माण कार्यों का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया तथा विधायक पारस चंद्र जैन उपस्थित थे। भूमि पूजन के पश्चात कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिन महाविद्यालय कैंपस सुव्यवस्थित तथा सुंदर होंगे, उन महाविद्यालय के प्राचार्यों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाकाल की नगरी अलौकिक नगरी है। उज्जैन में विकास के कार्य निरंतर हो रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि महाविद्यालय से पढ़कर निकले छात्रों को महाविद्यालय में बुलाकर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थाओं में गुरु शिष्य की परंपरा बनी रहे। पॉलिटेक्निक कॉलेज में माननीय पारस जी जैन साहब, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय अनिल फिरोजिया जी, हम सब ने 90 लाख की लागत से सड़क का और ये द्वार का भूमि पूजन किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी जितने कॉलेज हैं उनके अंदर ये विकास के काम लगातार चलते जाए और हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विधायक पारस चंद जैन ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए विकास कार्य करने वाली निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए कि समस्त होने वाले कार्य गुणवत्तापूर्ण हो यह सुनिश्चित किया जाए। इस महाविद्यालय से निकले अधिकांश छात्रों को रोजगार मिलता है। हमारा काम हमेशा विकास का है। विकास हमारा नारा है, विकास हमारा संकल्प है। और पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज 90 लाख की लागत का भूमि पूजन हमने किया है। गेट का भी निर्माण है और गेट का ऐसा निर्माण होगा कि बाहर के लोग आके भी देखे, क्योंकि ये मेन रोड है, ये उज्जैन की शान है। देवास और सर्किट हाउस भी पास में है और वास्तव में इसकी आवश्यकता है, इसकी पूर्ति हुई है। बाकी जगह भी जो विद्यालयों में कॉलेजों में है उस पर भी हम निर्माण कार्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन अभियंता RC पवार ने निर्माण कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज के जो भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ है, माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव, मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री, माननीय सांसद जी अनिल जी फिरोजिया, माननीय भूतपूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं वर्तमान विधायक पारस जी जैन, आप सब लोगों के द्वारा भूमि पूजन किया गया है। और इसमें जो सबसे जो निर्माण कार्य होना है, इसमें जो ठीक सामने वाला जो रोड दिख रहा है, इसका मेन रोड से लगा वहाँ पे एक गेट बनेगा, अच्छा भव्य गेट बनेगा। जो CC रोड बनेगा इसमें,